ये तो फ्रेंड्स ऐसे होता है, पूरी जिंदगी हमसे एक चूल्हा नहीं जलता। चलो तब्दीली आई है, गैस कुछ ज्यादा है फ्रेंड्स, देखें कुछ ज्यादा ही है गैस। चलो पतीला रख दे, जब तक ये चावल बनते हैं तब तक हम दूसरा काम निपटा लेते हैं। फ्रेंड्स कैनल पर आया हूं और कैनल पे आके थोड़ा सा काम निपटाना है, और काम के साथ साथ मैं आपको दिखाता जाऊं बारी बारी ये सारे डॉग निकलेंगे। इनको निकाल चुका हूं मैं, उसके बाद अब डेलमेशन का पेयर निकाला, ये सारे बारी बारी बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इनके केजेस की सफाई करने के बाद फिर हम ये खाना तैयार हो रहा है, चावल बन जाए फिर इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करके इनको खाना देंगे। फ्रेंड्स डॉग्स सारे निकालता हूँ डेली, और निकालने के बाद ये बाहर जो भी पोटी पिछी करनी होती है इन्होंने ये करते हैं, और इनके केजेस की सफाई होती है। केजेस की सफाई के बाद मैं टिक्स हो या ना हो हल्का हल्का टिक्स का स्प्रे कर देता हूँ ताकि इन पे टिक्स आए नहीं, क्योंकि ये टिक्स का सीज़न है, होते हैं जगह पे यहाँ वहाँ अंडे बच्चे तो वो इनको लग जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनको डेली स्प्रे होना चाहिए। आओ इनको भी कर देता हूँ, चलो चलो। सफाई करना, डॉग्स को खाना देना और बाहर निकालना, फिर इसके अलावा वॉक और ट्रेनिंग वगैरह अलग से शाम को ठंडे टाइम की जाती है, क्योंकि जिस डॉग को ट्रेन करना होता है या जिसको वॉक तो तकरीबन सारों को ही होती है, बाहर जिसको ट्रेन किया जाता है उसको स्पेशली अलग से टाइम दिया जाता है। तो फिलहाल तो अभी इनको सिर्फ और सिर्फ बाहर निकाल लें, कि सिर्फ थोड़ा बहुत चहलकदमी कर लें, बगलन जाना पानी और इसने किन्ना है ना पैर था ना थोड़े को बंद कर दिया। अच्छा ये है वो शैतान, इसको ताला लगा के रखा हुआ है मैंने, क्योंकि ये चोरी हो चुका है एक बार, इसकी मैं डिटेल में वीडियो दूंगा, चोरी हुआ था, चोरी होने के बाद चोर को गिरफ्तार किया और ये रिकवर किया डॉग, इसकी मैं अलग से एक डिटेल में बना के भेजूंगा, अपलोड करूंगा वीडियो के कैसे चोरी हुआ, चोर कैसे आया और किस तरह का था, प्रोफेशनल था या वैसे ही लेकर गया था, और पूरी टोटल कहानी हुई क्या थी, तो चोरी होने से लेकर उसकी गिरफ्तारी तक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा।
तो इन सबको मैंने खाना डाल दिया है रूटीन के मुताबिक। तो दोपहर का खाना दे दिया था, मैं निकल गया था, मुझे एक डॉग कार्गो करना था तो नहीं वीडियो बना पाया उसकी। ये इनके बर्तन हैं अभी धोने के लिए, यहाँ रखे हैं। इस शैतान को अपना खाना दे दिया, ब्रूनो को, इसने खा लिया, थोड़ा बचाया है। दोपहर में भी इसने ज़्यादा खाया था तो शायद अभी पेट भरा हुआ है, कम खा रहा है। बाकी सब ने अपने अपने हिस्से का खाना खाया है, बाकी रहता है तो ये रात में खा लेंगे। तो यही शेड्यूल होता है। अब खाना खा लिया इन्होंने, खाना खाने के बाद मैं इनको सबको दो दो करके, जैसे मैंने सुबह में निकाले थे बाहर, उसी तरीके से दोबारा इन सबको निकालूंगा बाहर। और निकालने के बाद इनके केजेस वगैरह की सफाई होगी, सफाई के बाद फिर मेरी भी छुट्टी, फिर मैं आऊँगा दूसरे दिन। तो ये मेरी डेली की रूटीन होती है, डेली इसी तरह ही, मतलब फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम ही देखना होता है, खाना देकर, सबकी मेडिकेशन वगैरह करके, और मेडिकेशन के बाद मैं घर जाता हूँ। दो मर्तबा खाना दिया जाता है दिन में, और दोनों मर्तबा इसी तरह इनको बाहर निकाला जाता है और इनके केजेस की सफाई होती है। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और ये डेली की मेरी रूटीन है। और बहुत से दोस्त बोल रहे थे कि जी अपनी रूटीन शेयर करें कि आप डॉग्स की किस तरह केयर करते हैं, क्या करते हैं, खाने में क्या देते हैं, कितनी बार देते हैं। अब डिटेल में तो मैं वीडियो नहीं दे पाया मेडिकेशन वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि वो मेडिकेशन तो आप डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक ही यूज़ करें तो बेहतर रहेगा, तभी मेडिकेशन का मैं नहीं बता पाया आपको। मज़ीद इसी तरह मैं डॉग्स की केयर करता हूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और काफ़ी देर हो चुकी है, रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, तो मुझे भी दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।